हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आ चुके हैं नए वीडियो के साथ और लेके आए हैं ए टू जेड स्काई सोर्ड की टेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, हमारे पास जितने भी स्काई सोर्ड अवेलेबल है उन सब की टेस्टिंग वीडियो। गाइस आप जो सामने स्काई सोर्ड देख रहे हैं सारे स्काई सोर्ड है जो हमारे पास अवेलेबल है। टोटल 20 टाइप्स के स्काई सोर्ड है, 20 तरह के स्काई सोर्ड है जो कि डिफरेंट साइज के और डिफरेंट कंपनी के भी हैं और जो डिफरेंट डिस्प्ले इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेल फटता है ऊपर जाके उसमें डिफरेंट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो गाइस फटाफट से बिना टाइम वेस्ट कर रहे इसको करते हैं वन बाई वन करके इग्नाइट। उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सबसे पहले गाइस जो हम इग्नाइट करने जा रहे हैं यहाँ पर, सबसे छोटा स्काई सोर्ड है कोक का, जो कि स्काई सोर्ड करके ही आता है, मार्कर के टाइप का देख सकते हैं, इसका साइज जो मार्कर की तरह का। तो गाइस क्या करते हैं इग्नाइट और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के सिग्नल रॉकेट का, जो कि 7 ग्रीन कलर स्टार है, इसकी देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस जो कैसी रहती है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के ऑटोमेटिक रॉकेट को, जो कि 7 रेड कलर स्टार है, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के पेंटा के पाम को और देखते हैं इसमें किस तरह का जो डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं इन सबसे बड़े स्काई सोर्ड के मैरी गो राउंड, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, और देखते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस कैसी रहती है, किस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस नेक्स्ट स्काई सोर्ड है पैरासूट नाइट आउट मिनी साइज, करते हैं इसको इग्नाइट, देखते हैं किस तरह का डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के गोल्डन स्ट्रॉबेरी को, देखते हैं किस तरह डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं श्री कृष्णा सेमी के, जो कि लोकल ब्रांड का स्काई सोर्ड है, देखते हैं किस तरह डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के गोल्डन कोर को और देखते हैं किस तरह का जो स्पिनर डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के सर्कस स्काई सोर्ड को, देखते हैं किस तरह का जो इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है।
गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के प्लाजो को और देखते हैं किस तरह डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है। वाओ गाइस ये तो हम इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के बेलागियो स्काई शॉट को, देखते हैं किस तरह का डिस्प्ले इसमें को देखने मिलता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के फोर सीजन स्काई शॉट कर, देखते हैं इसका किस तरह का डेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के जैस्मिन कोर को, देखते हैं किस तरह डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है और कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। कोक जैस्मिन कोर गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के दिल दीवाना स्काई शॉट को, देखते हैं किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस रहती है। गाइस इग्नाइट करते हैं कोक के बिग स्काई शॉट प्योनी बर्ड्स को, देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, किस तरह का डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के चेरी क्लब मिनी को, देखते हैं किस तरह का डिस्प्ले यहां पर देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के क्रेजी गर्ल स्काई शॉट को, देखते हैं कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है, कैसा इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं रविंद्र फायरवर्क के मेगा गस्टो को और देखते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है, कैसा इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। गाइस अब इग्नाइट करते हैं कोक के बिग स्काई शॉट पाम गार्डन को, देखते हैं किस तरह डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस आती है। कोक का पाम गार्डन
तो गाइज कुछ इस तरह की रही इन सब स्काई सोर्ड की परफॉर्मेंस, जो कि हमारे पास 20 टाइप्स के स्काई सोर्ड थे जो कि डिफरेंट कंपनी के थे, कुछ कोक के थे, कुछ रविंद्र के, कुछ एक दो लोकल कंपनी के थे। तो कुछ इस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही। तो आपने देखा किसका जो डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिला, यानी कि जो सैलू पर जाके फटा किसका जो जबरदस्त रहा। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना इन सब में जो आपको कौन सा स्काई सोर्ड जो बेस्ट लगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो कर दें लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि फ्यूचर में और भी अमेजिंग अमेजिंग हमारे चैनल पर वीडियो आने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।